पैसा कहाँ से जमा कराऊंगा, पैसा ऑलरेडी 15 साल से जो मेरा बनता नहीं है मुझसे दिलवाया गया कोर्ट में, और मैं उसे मान रहा हूँ। ये 25th तो पढ़ रहा हूँ साहब, ये 17/20 का जो ऑर्डर है माननीय न्यायालय का, उसको मैं 1000 दिन से, आज 1000 दिन से अधिक हो चुके हैं, उसकी इम्प्लीमेंसी के लिए खाली घूम रहा हूँ। मतलब माननीय न्यायालय का आदेश को परिवार न्यायालय नहीं मान। क्या केस है, व्हाट इज योर केस? केस है सर 125 का है, मैं वसूली का बैठा। तो 2015 में मुझे एक्विटल कर दिया गया था। व्हाट यू हैव चैलेंज, क्या चैलेंज किया मैंने अपनी श्रीमान के सामने ये निवेदन किया था, 17/20 का माननीय न्यायालय का जो आदेश था उसको माननीय फैमिली कोर्ट नहीं मान रही है और उसके अकॉर्डिंग आर्डर नहीं पास कर रही है। यह जब उसको ये आदत जो हमें मुझे निवेदन की गई 17/20 के आदत है, तो वो 17/20 के आदत के अनुसार आगे नीचे कार्रवाई नहीं हो पा रही है, तो मैंने निवेदन किया, उन्होंने उसको नहीं काउंट किया, तो मैंने श्रीमान के सामने वापस उपस्थित हुआ कि साहब इसको वेरी कोर्ट से डायरेक्शन मिल जाए तो उस आदेश को। वेर इज ऑर्डर? वेर इज ऑर्डर 17/20 का ऑर्डर है, पेज नंबर है। Yes. But by 17, 2020, the Honorable Court may not determine the maintenance amount payable by petitioner to me, wife and my child. Yes. So now, thereafter, my lord, the lower court determined. What is the amount? So the amount was 10,000 rupees per month to the wife and 6,500 to the son. Yes. Now, the wife order dated 29/1/2021, the lower court may not computed, may not how much the amount is payable. Yes. So that amount came to 14,66,000. Since I have been fighting for my maintenance since 2005. Now, the petitioner is disputing this computation, but has not challenged this order. Subsequently, he moved an application before the lower court, saying that he needs 2 months time to challenge this order. Now that application was rejected, and this petition is against that application seeking 2 months time. This order is under 125. Yes. After that, जो भी है, मैं निवेदन करना चाहूँगा। मैंने application लगाई है सर, जो आपने फरमाया वैसा नहीं दिखता है। 17/20 के आदेश के अनुसार मैंने application लगाई है। How order is to be executed? 34 से 43। और ऑर्डर इज टू बी एग्जीक्यूटेड, ऑर्डर कैसे एग्जीक्यूट होगा? ऑनली सिविल जेल ही है ना, सीआरपीसी जेल। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी तो नहीं है ना आपके? तो मैं 15 साल से जिस चीज को झेलता हूँ, पैसे दे रहा हूँ, मेरी प्रॉपर्टी बिक चुकी है। और निवेदन ये है कि जो चीज यस रिस्पोंडेंट यस और दो ऑर्डर इज टू बी एग्जीक्यूटेड सर। सर आई गो जस्ट अ मिनट। यस पैराग्राफ नंबर 6 है सर, इसमें लिखा है ये कि माननीय उच्च न्यायालय जो कि निर्णय 17/20 के मत के आज जो आदेश पारित किया उसका माननीय न्यायालय ने तो विश्लेषण किया गया नहीं उसे ना। यस ये बात यस बताइए अब क्या कर रहे हैं। अब इसके निवेदन में ये था कि ये देखो सर माननीय न्यायालय के जो जिसके ऊपर सारी चीज लिखी हुई है पार्टी and on the pursuit of the record in view of the court the contents of the respondent husband Ashok Chand with regard to this entitlement of maintenance amount to pendency of the civil case in which question of the LLP has been decided against the applicant while is down no ground can be to benefit of the maintenance if the respondent has failed it to prove this fair court trial court where the pendency of another criminal case cannot be a ground to deny divided maintenance. ये पूरा चैप्टर अलग है जिसका केस अलग चल रहा है और अब तक फाइनल नहीं, परंतु इसके साथ इफ इन द क्रिमिनल केस he got success he can application before the court concerned to modify the order for stopping the payment of the maintenance. इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग मैंने श्रीमान के साथ वहां एप्लीकेशन लगाया था
और उस एप्लीकेशन के लिए यू आर डायरेक्टेड टू पे द अमाउंट फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ द ट्रायल कोर्ट। नहीं सर, वो मेंटेनेंस स्टॉप कराने के लिए मुझे जो फाइनली न्यायालय ने दी था, यस, उसके अकॉर्डिंग मैंने एक एप्लीकेशन ट्रांसफर पेश किया, जिसके अकॉर्डिंग पेज नंबर 25 ऑर्डर माननीय फैमिली कोर्ट का था, उसमें उन्होंने मेरे एप्लीकेशन को लिखा है माननीय उच्च पैराग्राफ नंबर 4 माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17/2020 के कालम नंबर 8 13वें सदा को देखना, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश 17/2020 एवं अन्य आपराधिक मामले भारतीय दंड संहिता की धारा 498 में अनावेदक में उसके परिवार को निर्णय दिनांक 1/4/2020 किया जा चुका है, उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 22/16/2020 मुक्त किया जा चुका है। क्या कहिए देखिए सर, मैंने वो भी लिखा है अनावेदक में जाता का प्रकरण जोधपुर न्यायालय में आवेदक के क्रमांक रूप प्रस्तुत किया हुआ है, मामला विचाराधीन है जिसमें निर्णय नहीं हुआ है। इससे स्पष्ट है कि अनावेदक गण द्वारा आवेदन पत्रों के तथ्यों को छुपा कर भरण पोषण राशि जमा कराने का प्रयत्न किया जा रहा है, अनावेदक द्वारा प्रत्येक आदेश के अस्तित्व में बारे में सही जानकारी नहीं दी। यहाँ तक ये दिया था, इसके बाद में नेक्स्ट पैराग्राफ पैराग्राफ 6 विचारणीय प्रश्न ये है कि आवेदक गण बकाया अंतिम भरण पोषण राशि एवं भरण पोषण की कितनी राशि प्राप्त करने के अधिकारी है, मतलब इसी पर विचार किया गया। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है उसको बिल्कुल गौण ही कर दिया, सही दिया गया। जब या जो मेरा प्रार्थना पत्र है उसके अंतिम में यह लिखा हुआ है, प्रार्थना है कि माननीय उच्च न्यायालय रिक्त याचिका प्रस्तुत कर सघन आदेश लाने हेतु 2 माह का समय प्रदान किए जाने का आदेश पारित कर तब तक उप प्रकरण की कार्रवाई को स्थगित किया जाए। दिस वॉज अ प्रेयर, यस पिटीशन, दिस वॉज रिजेक्टेड। तो जब मुझे माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार लिबर्टी जो प्रदान की गई उसको नहीं माना गया, तो मैं यही निवेदन करूंगा सर, आप मुझे आगे किसी आदेश लाने के प्रदान कर दीजिए, क्योंकि आप नहीं मान रहे। और आपने तो उस ऑर्डर को चैलेंज ही नहीं किया है। नहीं, इन्होंने ऑर्डर चैलेंज किया, मैंने तो ऑर्डर मान लिया था, तो मेरे तो पक्ष में ऑर्डर, मैं उसको चैलेंज क्यों करूंगा। जब मुझे लिबर्टी प्रदान की गई है, उस लिबर्टी को अगर आपको ऑब्जेक्शन था तो आप जाते अपन कोर्ट में, मेरे को तो लिबर्टी दी गई कि आपको अगर आपने इक्विटल हो चुके हैं तो आप अपना पेमेंट स्टॉक आपराधिक प्रकरण को यदि आपने जीत लिया तो आप उसका पेमेंट स्टॉक कर। और इस बात को माननीय फैमिली कोर्ट में पैराग्राफ नंबर 8 पेज नंबर 29 में स्वीकार भी किया था। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17/2020 की खंडिका 8 13/17 में उल्लेखित है कि दोनों पक्षकारों के तर्क सुनने के बाद अभिलेख का परिशीलन करने पर इस न्यायालय के अभिमत में आपराधिक मामले के लंबित होने के कारण भरण पोषण राशि अनागतिक संबंध में प्रत्यर्थी पति अशोक संघ के तर्क जिसमें अनावेदक पत्नी के विरुद्ध जाता का प्रश्न निराकृत होना चाहिए, भरण पोषण के लाभ इनकार का आधार नहीं है, क्योंकि प्रत्यर्थी पति विचार न्यायालय के समक्ष तथ्य साबित करने में असफल रहा। मात्र अन्य आपराधिक मामले, अब मेन मैटर यह जहाँ से माननीय न्यायालय का आदेश है, मात्र अन्य आपराधिक मामले लंबित होने से पत्नी भरण पोषण प्राप्त करने के से इनकार करने का अलाउ गेट नथिंग। नहीं सर, मैं वो 13-2 का ऑर्डर क्वेश्चन कर देते हैं, आपकी पिटीशन अलाउ कर देते। नहीं, मेरा निवेदन ये है, माफ कर मेरा सर, मैं जब माननीय न्यायालय मुझे जो लिबर्टी प्रदान की थी
उसके आगे यदि आपराधिक मामले में पति सफलता प्राप्त करता है, लेट इट बी रिमांडेड बैक एंड कंसीडर द ग्राउंड व्हिच ही हैज रेज्ड एंड इट बी डिसाइडेड ऑन मेरिट. माय सबमिशन आई थिंक सिंस 2005 एंड द अमाउंट इज ह्यूज, ही हैज ओनली पेड 5 लाख मिलोड आउट ऑफ द 14,66,000 व्हिच हैज व्हिच वाज लेटेड. चलिए हाफ जमा कर दीजिए 14,66,000. माफी चाहता हूँ, पहले से 15 साल से जिसके लिए स्ट्रगल कर रहा था, 2015 में रिक्रूटमेंट हो गया, 2020 तक माननीय न्यायालय में फैमिली कोर्ट में यही निवेदन कर रहा था कि मुझे मान लीजिए. और मैंने जब जिस प्राथमिक 125 के केस में जिस चीज की देर ली गई कि मुझे क्या नाम 498 का मैटर है, और जो 498 का मैटर भी कब करा गया, जब मैंने पहले 17/11/2004 को एप्लीकेशन लगाई कि मेरी पत्नी मुझसे 6 महीने यहाँ रहती, 6 महीने वहाँ रहती, लिहाजा मुझे इसके साथ अब नहीं है, तो उन्होंने मेरे विरुद्ध एफ आई आर वो करा है 17/11/2004, 20 दिन बाद मेरे से डाइवर्स की एप्लीकेशन करा दी, और 2 महीने बाद वो लगाई है 490. Only question before this court is ground which you have raised has not been considered. बस इतना ही कहना है ना आपका. मेरा हाथ फाइल रिमांडेड बैक, आप कुछ पैसा और जमा कराइए. नहीं, मेरे निवेदन से पैसा जमा कैसे कैसे. अब देखिए, जब मैं एक पैराग्राफ नंबर 4 अदरवाइज आई विल डिसमिस योर पिटीशन, क्योंकि आपने इंटरिम ऑर्डर को चैलेंज ही नहीं किया. मेरे इंटरिम ऑर्डर है नहीं सर, मेरे पक्ष में मेरे को अगर आप यू डिसाइड आप क्या करना चाहते हैं, अदरवाइज आई पास ऑर्डर जो आपका प्रेयर है मैं अलाउ कर दूं. मैं पैसा कहां से जमा कर रहा हूं, मैं पैसा ऑलरेडी 15 साल से जो मेरा बनता नहीं है मुझसे दिलवाया गया कोर्ट ने, और मैं उसे मान रहा हूं. ये 25 तो पढ़ रहा हूं सर. अनावेदक ने आवेदन पत्र 3-4 उदय प्रकट किया कि अनावेदक माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करता आ रहा है. आवेदक ने माननीय उच्च न्यायालय आदेश दिए तो मैं पालन करता है वो सब. आपने मुझे 5 लाख गिराने का आदेश दिए सर, जबकि मेरी 17/2020 का जो ऑर्डर है माननीय न्यायालय का, उसको मैं 1,000 दिन से, आज 1,000 दिन से अधिक हो चुके हैं, उसकी इम्प्लीमेंसी के लिए खाली घूम रहा हूँ. मतलब माननीय न्यायालय का आदेश को परिवार न्यायालय नहीं मान रहा, मैं उसकी रिक्वेस्ट के लिए आपके सामने पर. So, I'm reminding it back. हाँ, रिमांडेड का वापस को 17/2020 के ऑर्डर को तो समझे ना सर, मैं कहा मना कर रहा हूँ. 17/2020 के ऑर्डर को वो मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं. ये 14,66,000 इसका हाफ कर दीजिए सर. मैं पैसा कहाँ से लाऊं, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर, वे 5 लाख मुझसे जो दिलाए गए हैं 17/2020 के आर्डर के बाद दिलवाए गए, पर मैं माननीय न्यायालय के आदेश को इसलिए मान रहा हूँ, मुझे ऑब्वे करना है. क्या करते हैं आप? सर, मैं एक व्यापारी हूँ और मैं रिटायरमेंट हूँ, और मेरी 63 एज है. व्यापारी कहाँ रिटायर हो? रिटायर इसलिए सर, मेरा प्रॉब्लम कुछ शारीरिक जैसे ये प्रॉब्लम हो गई, तो मैं अपनी दुकान नहीं जा सकता, पिछले 1.5 साल से दुकान नहीं जाता हूँ, पर मेरे को यहाँ आना, मेरी सीनियर सिटीजन होते नाते मैं इसी महीने में 3 बार आ चुका. किसी बार श्रीमान के सामने निवेदन हुआ था, और आप दुकानदार भी राजस्थान में है, अजमेर, इसलिए सर मुझे 1,000 किलोमीटर करके आना. माफी चाहता हूँ सर. वहाँ पे आपको पैसा मिल सकता है सर, पैसा नहीं, अच्छी रिच सर, पैसा की जब मैं पहले भी पैसा इनलीगल दे चुका हूँ, मैंने ये निवेदन किया. पास ऑर्डर, पास ऑर्डर.